हाय गाइस, दिस इज़ आयुष निषाद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग प्लेस में जा रहे हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं अभी रावघाट, जो कि नारायणपुर से 20 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग एकदम स्पेशल जगह जाएंगे, जहां मैं अभी तक गया नहीं हूं। मतलब वहां जा के देखते तो हैं कि यहां कुछ है जाने लायक, इंटरेस्टिंग प्लेस है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है। मतलब थोड़ा सा खुफिया जगह है, मतलब खुफिया बोले तो कैसे, मतलब थोड़ा सा पुराना जगह हो गया है एकदम, जहाँ कोई नहीं जाता। तो हम लोग आज वहाँ जाके देखेंगे और वहाँ का व्यू लेंगे अपन। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग क्या है, रावघाट का मंदिर पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ आना नहीं है, हम लोग को कहीं और जाना है। लेकिन अभी मंदिर आ गए हैं तो पहले मंदिर देख लेते हैं, पूरा फुटेज ले लेते हैं कैसा है। तो अब मंदिर का फुटेज लेते हैं और अपने डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। तो तो गाइस, अभी हम लोग क्या है उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम लोग आना था। रावघाट का ये मंदिर है, जो कि मैं कभी यहां पर नहीं आया हूं। तो अचानक से बोर्ड को देखे यार हम लोग यहां पर, कि यहां पर माता दंतेश्वरी देवी ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आज तक तो मैं पढ़ा नहीं था इसको, तो देख सकते हैं यहां पर। और मंदिर इस साइड है, वो मतलब एकदम थोड़ा ऐसा लगता है बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन टाइप का। ये है वो यार वो मंदिर, लेकिन यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो लेकिन हम लोग आज जाएंगे यहाँ, देखेंगे कि मंदिर कैसा है। तो चलते हैं इस साइड से, चलते हैं उतर के, इस साइड से हम लोग उतर के चढ़ते हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर गणराज, यहाँ पर शायद तक गणेश भगवान जी दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक हाथी है और देवी माता दिखाई नहीं दे रही। और मंदिर का द्वार भी बंद है, इसको हम लोग खोल सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन नहीं खोलेंगे क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट बार आए हैं। तो हम लोग को मतलब यहाँ का नियम पता नहीं है कि क्या रूल है, क्या नियम है, तो हम लोग इसको नहीं खोलेंगे। और पीछे से देखते हैं पीछे किस टाइप से परिक्रमा करने लायक, मतलब यहाँ पर घूमने लायक बनाया गया है कि मतलब लोग कह सकते हैं। अभी हम लोग क्या है, ये मतलब प्राचीन जो मंदिर है इसमें आए, फिर हम लोग देखे कि मतलब यहाँ कुछ अलग टाइप से है। मतलब तुलसी चौराहा बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा अलग ही टाइप का है। मतलब ये बहुत पुराना लगता है मेरे को तो। मतलब ये तुलसी चौराहा और शायद तक ना शिवलिंग को मिक्स कर दिया गया है ऐसा ही कुछ है। तो क्योंकि ये देवता धामी से रिलेटेड है, तो यहाँ जब भी पूजा पाठ या फिर कुछ होता है ना, तो यहाँ पे देवता आता है, उन लोग यहाँ बैठते हैं। जो नुकीले खिले देख रहे हो ना, इस पर बैठते हैं। और जिन लोगों को देवता आता है उन लोगों को ना दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और जो आम इंसान अगर बैठे ना, तो उसका तो कृपया आम इंसान यहाँ आकर ट्राई ना करे, वरना उसका जिम्मेदार संजय होगा, हम लोग नहीं होंगे। काफी ट्राई मत करना, ट्राई मत करना, क्योंकि